हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल पे फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड हर एक स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, डीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, यूपी, एलटी गेट, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोज हैं। चाहे थ्योरी सेशन हो, एमसीक्यूज हो, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, सभी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो दोस्तों, रेडी हो जाइए प्रैक्टिस लगाने के लिए। एंड आपका अभी प्रेजेंट में एमपी टेट एंड यूपी टीजीटी का एग्जाम है, जिसमें से एमपी टेट आपका जस्ट आने वाला है, और उसके बाद जो यूपी टीजीटी को फॉर्म भरे हैं वो भी अब जल्द ही उसका भी परीक्षा होगा। तो आप तैयारी में लग जाइए और मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। और जितना भी सिलेबस में मुख्य मुख्य टॉपिक है, सभी टॉपिक में थ्योरी सेशन बना दी हूँ, सभी थ्योरी को भी देख लीजिए, फिर एमसीक्यूज भी लगाइए। और प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन के 100 से ज्यादा वीडियोज अपलोड हुए हैं। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त के प्लाज्मा में जल होते हैं। तो दोस्तों, रक्त के प्लाज्मा में जो जल है वह 90% होता है। रक्त प्लाज्मा में जल 90% होता है, और रक्त प्लाज्मा में प्रोटीन 8% होता है, और नमक 0.9% होता है, और कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है वह 0.1% होता है। तो जिसमें प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है 8%, उसमें प्रोटीन पाया जाता है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन। और नमक में सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन। कार्बनिक पदार्थ में ग्लूकोज, फैट, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन, कोलेस्ट्रॉल, अमीनो एसिड। इसके अलावा अन्य पदार्थ में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंजाइम, एंटीजन। इससे आपको यह पता चलता है कि यदि पूछेगा कि रक्त के साथ परिवहन होता है तो इन सभी पदार्थों का नाम होगा, तो वो आपका सही होगा, जो नहीं होगा वो आपका गलत होगा। तो जैसे कि रक्त जो है दो प्रकार का होता है, रक्त प्लाज्मा और रक्त कणिका यानी ब्लड सेल्स। जो रक्त प्लाज्मा होता है, पूरे रक्त का 55% भाग होता है, जो ब्लड सेल्स होता है वह रक्त का 45% भाग होता है। ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त की अशुद्धियां किस भाग में जाकर छन जाती है। तो दोस्तों, रक्त की अशुद्धियां रक्त को फिल्ट्रेशन करने का, छानने का काम करता है ब्रिक यानी किडनी। नेक्स्ट है, मानव शरीर के में 1 मिनट में कितनी हार्ट बीट्स होते हैं। तो आप सबको पता है ये होता है 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। तो कोष्ठों यानी कक्षों की संख्या 4 है। ऊपर के 2 कक्ष को हम कहते हैं अलिंद, और नीचे के 2 कक्ष को कहते हैं निलय। नेक्स्ट है, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को कहा जाता है। जैसे कि रक्त कणिका 3 प्रकार की होती है, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, जिसे वैज्ञानिक भाषा में एरिथ्रोसाइट बोला जाता है। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, श्वेत रक्त कणिका, जिसको वैज्ञानिक भाषा में लीकोसाइट कहा जाता है। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, जिसे वैज्ञानिक भाषा में थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ हृदय का भार कितना होता है। तो स्वस्थ हृदय का भार होता है 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। तो दोस्तों, ग्रुप ए है तो उसको ए वाला ही दे सकता है, और जो सर्वदाता ओ ग्रुप है ओ दे सकता है, यानी कि ए ग्रुप वालों को ए और ओ ग्रुप दे सकता है। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब कितना होता है। दोस्तों, तो सामान्य रक्तदाब 120/80 होता है, यानी कि 120 जाने का और 80 आने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण की मात्रा शरीर के रुधिराणु का कितना परसेंट होता है। दोस्तों, तो शरीर के रुधिराणु का जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाया जाता है, उसमें लाल रक्त कण का आरबीसी का परसेंटेज होता है 99%, और यह संपूर्ण रक्त का 40% पाया जाता है। इन दोनों बातें याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना परसेंट यकृत को प्राप्त होता है? तो दोस्तों यह प्राप्त होता है, यहाँ पे ऑप्शन 24% सही हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों जो सामान्य हृदय से स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त होता है तो उसमें से जो है लगभग 10% जो रक्त होता है स्वयं हृदय को कुरोरी धमनी द्वारा जाता है और 15% मस्तिष्क को जाता है, 25% यकृत यानी कि लीवर को जाता है और 20% किडनी को जाता है और जो 30% है वह अन्य अंगों को जाता है। तो यहाँ पे 25% होगा यकृत को प्राप्त रक्त, 25% नहीं दिया तो निकटतम आंसर होगा 24%। नेक्स्ट है, रक्त अल्पता एवं रक्तगत अव्यवस्था का कारण होता है, तो यह होता है विटामिन B12 की कमी। इसका वैज्ञानिक नाम होता है साइनोकोबाल्ट, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, इसी कमी से एनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है, तो शरीर में लौह तत्व यानी कि आयरन की कमी से रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, एरिथ्रोसाइट, लीकोसाइट एवं थ्रोम्बोसाइट पाए जाते हैं, तो ये दोस्तों रक्त में पाए जाते हैं। एरिथ्रोसाइट जो आरबीसी को बोला जाता है, लीकोसाइट डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स को बोला जाता है। नेक्स्ट है, श्वेत रक्त कणिका का दूसरा नाम क्या है, तो उसको दूसरे नाम लीकोसाइट से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, पूरे शरीर में रक्त को पंप करने वाले हृदय के अंग का क्या नाम है, तो दोस्तों उसका नाम है एरोटा यानी कि महाधमनी। जो हृदय के बाएं निलय संकुचित होता है तो वह एरोटिक वाल्व के रास्ते एरोटा यानी महाधमनी से होकर समस्त शरीर में जाता है। नेक्स्ट है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है तो हार्ट मसल्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, स्वस्थ मनुष्य के हृदय की औसत गति प्रति मिनट होती है तो वो आपका 72 से 80-81 होता है। यहाँ पे आसन कुछ सही नहीं दिया है। नेक्स्ट, वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा कहलाती है, वेंट्रिकल यानी निलय से बाय निलय से, तो प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा को कहते हैं कार्डियक आउटपुट। दोस्तों जैसे कि एक कार्डियक आउटपुट है, एक स्ट्रोक वॉल्यूम है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, एक हृदय की एक धड़कन में जितना रक्त हृदय से बाएं निलय से शरीर की ओर यानी महाधमनी की ओर पंप किया जाता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है वह 70 ml होता है। तो एक हृदय की एक धड़कन में कितना स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, 70 ml वो पंप करता है। एक बार में 70 ml पंप करता है तो एक मिनट में कितना करेगा, तो जो एक मिनट में जितना पंप करेगा वही कार्डियक आउटपुट होता है। तो कार्डियक आउटपुट निकालने का सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। तो हमारा एक मिनट में हार्ट रेट कितना होता है, 72 बार होता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम हमारा एक बार में 70 होता है तो एक मिनट में आपका हार्ट रेट 72 होता है। कितना होता है, 72, दोनों का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 5040 ml। यानी कि कार्डियक आउटपुट एक मिनट में हमारा जो हृदय होता है 5.04 L वह रक्त को पंप करता है। नेक्स्ट है, रक्त शर्करा स्तर बढ़ाने के लिए अग्नाशय से उत्सर्जित हार्मोन है, तो रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाने के लिए अग्नाशय यानी पैंक्रियास से उत्सर्जित हार्मोन है ग्लूकेगन। ग्लूकेगन जैसा कि दोस्तों अग्नाशय यानी पैंक्रियास के लैंगरहैंस की दीपिकाओं से
में चार प्रकार की कोशिकाएं होती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ कोशिकाएं, जिसमें से अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागन हार्मोन उत्पन्न होता है, स्रावित होता है, यह यकृत को उत्प्रेरित करता है और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है, ये ध्यान में रखिएगा। और बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन उत्पन्न होता है जो रक्त में उपस्थित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, जिसके कारण रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम होता है। अगर इंसुलिन कम मात्रा में स्रावित होता है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता और ग्लूकोज यानी शर्करा जो है रक्त में बढ़ जाता है, जिसे मधुमेह यानी डायबिटीज कहते हैं। तो डायबिटीज क्यों होता है? इंसुलिन की कम अल्प स्राव से। तीसरा होता है डेल्टा कोशिका, जिससे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन उत्पन्न होता है। सोमेटोस्टेटिन करता क्या है? ग्लूकेगॉन और इंसुलिन के अत्यधिक स्त्राव को रोकता है, ठीक है, दोनों पर नियंत्रण करके रखता है। नेक्स्ट है हृदय के निर्गत यानी कि आउटपुट का सामान्य ज्ञान होता है। यहाँ पे हृदय के निर्गत आउटपुट का कहने का मतलब है कार्डियक आउटपुट, जो एक मिनट में रक्त कितना पंप करता है, कार्डियक आउटपुट कितना होता है। तो आपका स्ट्रोक, इसका सूत्र होता है स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 है, हार्ट रेट 72 है, दोनों का गुणा करेंगे तो 5040 ml आएगा, यानी कि 5.04 लीटर प्रति मिनट जो हृदय होता है रक्त को पंप करता है। तो कार्डियक आउटपुट कितना हुआ? 5.04 लीटर प्रति मिनट। नेक्स्ट है शरीर में धमनियों का कार्य होता है। तो धमनी क्या करता है? हमारे शरीर में, हमारे हृदय में दो वाहिनियां होती है, मुख्य रूप से धमनी और सीरा। तो धमनी क्या करता है? यह हृदय से शुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों की तरफ ले जाता है, और सीराएं क्या करती है? विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं भाग, दाएं अलिंद में ले आता है। नेक्स्ट है कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है, यानी कि सर्वदाता कौन है? तो ओ है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव पूछेगा तो सर्वदाता ओ नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव नहीं रहेगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है अनिमिया यानी कि रक्त की कमी का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो अनिमिया यानी रक्त की कमी का मुख्य घटक होता है हीमोग्लोबिन की कमी। जब रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो रक्त की भी कमी हो जाएगी, तो इससे एनीमिया हो जाएगा। यानी कि शरीर में जब आयरन की कमी होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन यानी कि आयरन प्लस ग्लोबिन प्रोटीन दो चीजों से मिलकर बना होता है। इसमें हीम से तात्पर्य आयरन है, ग्लोबिन से तात्पर्य प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है धमनी के अंदर पाए जाने वाले रुधिर का रंग होता है। तो दोस्तों धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, तो धमनी के अंदर जो पाया जाने वाला रुधिर होता है उसका रंग कैसा होता है? तो धमनी के अंदर जो रुधिर होता है उसका रंग होता है लाल, और सिराओं के अंदर नीला, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि धमनी के अंदर शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट है रक्त में यूरिया की वृद्धि किस अंग में विकार होने से होती है? दोस्तों तो जब गुर्दे यानी किडनी में कोई विकार होगा तो रक्त में यूरिया की वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि रक्त को छानने यानी फिल्ट्रेशन करने का काम करता है किडनी। जब वो खराब हो जाएगा, कोई विकार होगा, तो रक्त से यूरिया और गंदे पदार्थों को छान नहीं पाएगा, रक्त में यूरिया की वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है धमनियां रक्त ले जाती है, हृदय को ले जाती है कि मस्तिष्क से ले जाती है कि हृदय से ले जाती है? यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, तो हृदय से विभिन्न अंगों की ओर ले जाती है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 120 दिन। नेक्स्ट है रक्त के ओ समूह को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यानी सर्वदाता, ये सभी को रक्त दे सकता है चाहे कोई भी रक्त वर्ग हो, और ए भी सर्वग्राही होता है जो सभी का रक्त ले सकता है। नेक्स्ट है वेंट्रिकल एक हिस्सा है, तो ये वेंट्रिकल यानी कि जो नीला है ये हृदय का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है रक्त का कार्य है ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, वृद्धि कारकों को ले जाना, तो इनमें से दोनों आपका रक्त का कार्य है। नेक्स्ट है धमनियां रक्त को ले जाती है, तो हृदय से ले जाती है।
नेक्स्ट है प्रौढ़ हृदय का वजन होता है, तो हृदय का वजन 300 ग्राम होता है, यहाँ पे 260 से 300 ग्राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है, तो 120 दिन, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त ओ समूह को कहते हैं, तो सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर और एबी को सर्वग्राही, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है वेंट्रिकल एक हिस्सा है, यानी कि नीला है हिस्सा आपका हृदय का। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी रिपीट है, रक्त का कार्य है ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, वृद्धि कारकों को ले जाना, यानी ऑक्सीजन को आपूर्ति कौन, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है रक्त में, हीमोग्लोबिन करता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का परिवहन करता है हीमोग्लोबिन, और वृद्धि कारकों को ले जाता है, जितने ही पोषक तत्व होते हैं, जो धमनी होती है हमारे समस्त कोशिकाओं तक ले जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनमें से दोनों। नेक्स्ट है हृदय की ऊपरी चेंबर को क्या कहते हैं, तो दोस्तों हृदय में चार कक्षे होते हैं, ऊपर के दो कक्षे को हम कहते हैं ऊपरी चेंबर को अलिंद, और निलय के दो चेंबर को कहते हैं, निचली चेंबर को निलय। नेक्स्ट है रक्त, लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है, दोस्तों तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के वाहन का काम करता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, तो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, और आप अपने ऑथेंटिक बुक से प्रैक्टिस भी करते रहिए, और मेरे वीडियोज को डेली बेसिस पे देखिए, चाहे थ्योरी सेशन हो, चाहे एमसीक्यूज हो, चाहे चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हो, जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं मुख्य मुख्य, उन सब टॉपिक को जल्द से जल्द मैं पूरा करने की कोशिश करूंगी। तो फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।